I'm like, how? गुड इवनिंग सर। गुड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। तो गुड इवनिंग, आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो टॉपिक पहला छोड़ा हुआ था उसको करेंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों को मैंने अभी गूगल पे व्हाट्सएप पे एक गूगल फॉर्म भेजा है, देखा आप लोगों ने? यस सर। यस सर। वो yes, आप करना yes, ये है कि yes, sir, देखा है अपना अपना आपका जो प्रेजेंटेशन है उसको या तो आप फोटो खींच ले, मतलब जेपीजी फॉर्मेट में कर लें या पीडीएफ फॉर्मेट में कर दें, या आप उसको पीपीटी बनाइए तो पीपीटी जो भी है, अगर आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो खाली फोटो खींचें और जेपीजी दो कागज पे लिखें आपको क्या लेक्चर देना था जो आपने प्लान किया होगा ना, दो तीन पेज पे, दो मिनट का आपसे कहा गया था ना लेक्चर एक बनाने को, तो वो जो भी आपने बनाया है, जो भी सोचा है आपने, वो अपना कागज पे लिखा होगा, चाहे पीपीटी बनाई है, जो भी किया है आपने, वो आपकी मर्जी है। आप उसको अगर कोई स्कैनिंग की सुविधा अवेलेबल नहीं है तो फोटो खींचिए, वो जेपीजी फाइल बन जाएगी फोटो खींच के, और उनको एक में कंबाइन कर दीजिए, जितनी भी दो तीन पेज की फोटोग्राफ्स हैं उनको एक में कंबाइन कर दीजिए और एक जेपीजी फाइल के रूप में उसको अपलोड कर दीजिए उस गूगल फॉर्म पे, या पीडीएफ फाइल अगर है तो पीडीएफ फाइल कर दें, या अगर पावर पॉइंट किसी ने बनाया है तो पावर पॉइंट अपलोड कर दें। मैक्सिमम फाइल का साइज 1 MB हो सकता है और एक सिंगल फाइल अपलोड करनी, मल्टीपल फाइल्स नहीं अपलोड हो पाएंगी, एक बच्चा एक ही फाइल अपलोड करे। ये कार्य आप, आज है 17th, तो अगर आप लोग 19 तक ये कार्य कर दें तो जो सेक्शन लास्ट 3 डेज में होता है मेरा, लास्ट 3 डेज में कौन सा सेक्शन होता है P1 P2 कौन सा होता है लास्ट 3 डेज? P1 सर। P1 सर। तो मैं P1 का वाइवा शुरू कर दूंगा
थर्सडे से, मैं उसमें जो भी आप लोग अपलोड करेंगे उसमें से मैं 3 बैच बना दूंगा, 15-15 बच्चों के बैचेस बना दूंगा, वो मैं वेंसडे की रात में अपलोड कर दूंगा। बेटा पेजेस आपको 2 मिनट का मैंने कहा था प्रेजेंटेशन, पेजेस आप चुनिए कितने आपको रखने हैं, वो आपके ऊपर है। तो प्रेजेंटेशन तो पॉसिबल नहीं होगा, हम उसके बेसिस पे वाइवा लेंगे, जो भी आपका प्रेजेंटेशन होगा उसकी बेसिस पे मैं जो सवाल पूछने होंगे वो मैं पूछूंगा। तो मैं वेंसडे की रात में जब आप लोग सब कर देंगे तो मैं बैचेस बना दूंगा उसके, और 15-15 बच्चे एक दिन, 15 बच्चे एक दिन में आएंगे। और जो उस दिन मैं व्हाट्सएप का लिंक डालूंगा वही 15 बच्चे वेटिंग रूम में आएंगे, और किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। वो 15 बच्चे वेटिंग रूम में आ जाएंगे, मैं 1 by 1 मैं एक को अंदर रूम में करूंगा, उससे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर मैं उसको एग्जिट करा दूंगा और दूसरे बच्चे को रूम में लेके, 2 बच्चे एक समय रहेंगे रूम में, मैं एक वेटिंग में रखूंगा ताकि वो जॉइनिंग में जो टाइम लगता है वो वेस्ट ना हो। तो आपका जो आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो आपके बाद वाले को ही, 2 बच्चों को ही पता लगेंगे, तीसरा आपका जवाब नहीं सुन पाएगा। तो उसमें कोई ऐसा नहीं सोचिएगा कि वो पूरा ईयर हो रहा है सब लोग सुन रहे हैं आपके जवाब, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो कोई उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है कि अपने साथियों के सामने हम जवाब नहीं दे पाए, वो क्योंकि खाली 2 ही बच्चे बच्चे पहली चीज है ये। हाँ एक मिनट लेट मी कंप्लीट फिर आपको। तो ये तो हो गया आपका प्रेजेंटेशन वाला, मैं वाइवा लेता जाऊंगा और इसी तरीके से जितने बच्चे प्रेजेंटेशन अपलोड करेंगे उन्हीं का वाइवा होगा, जो प्रेजेंटेशन नहीं अपलोड करेगा उसका वाइवा नहीं होगा, उसका प्रेजेंटेशन के जो मार्क्स हैं 10 नंबर उसमें 0 मिलेगा। इतना ठंडा है और प्रेजेंट नहीं करना होगा, प्रेजेंटेशन पॉसिबल नहीं है। अब जब बच्चे खाली वाइवा होगा उसी प्रेजेंटेशन के, हाँ मार्क्स हम प्रेजेंटेशन के कंटेंट के बेसिस पे देंगे। आपने प्रेजेंटेशन का जो मैटर लिखा है वो कैसा लिखा है वो उसके मार्क्स होंगे, ये नहीं कि खाली सवाल के जवाब दिए आपने, जो मैटर लिखा है उसके नंबर होंगे सर। हाँ एक सेकेंड सर, और असाइनमेंट उसके बाद अपलोड कराएंगे, असाइनमेंट भी अपलोड कराएंगे, क्योंकि मेरी हेड डिपार्टमेंट से बात हो रही थी, वो सबका अंदेशा ये है कि कम से कम ये लॉकडाउन हम लोगों पर ये चलेगा 10-15 फरवरी तक चलेगा, तो इतनी जल्दी खुलने वाला नहीं लग रहा है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं, तो अभी कम होने की संभावना नहीं दिख रही है, तो ये 15 फरवरी तक करीब जाएगा, तो हम लोग को ऑनलाइन मोड में ही करना पड़ेगा सब कुछ। तो पहले ये खत्म होने दीजिए, उसके बाद असाइनमेंट की, वाइवा में हम लोगों को 2 हफ्ते लग जाएंगे, उसके बाद असाइनमेंट आप लोग तैयार कर लीजिएगा और हम अपलोड करा लेंगे। असाइनमेंट के भी इंस्ट्रक्शन में कल परसों में दूंगा, दोनों गूगल फॉर्म एक साथ नहीं करेंगे नहीं तो कंफ्यूजन प्रिवेल होगा। जब ये सबमिट हो जाएंगे प्रेजेंटेशन तभी मैं असाइनमेंट्स के लिए गूगल फॉर्म दूंगा, दोनों एक साथ होंगे तो बड़ा कंफ्यूजन प्रिवेल करता है, बच्चे उसमें प्रेजेंटेशन अपलोड कर देंगे। अब आप लोग पूछिए, कुछ पूछ रहे थे सर, प्रेजेंटेशन में एक बच्चा एक बार में पूछो सर। मैं अखिलेश पांडे सर। हाँ सर, मैं ये पूछा था कि जो लोग पहले प्रेजेंटेशन के लिए फॉर्म फिल कर चुके हैं वो फिर से फिल करेंगे जो आपने अभी आज दिया है? वो बेटा वो फॉर्म में तो खाली आपने टॉपिक दिया है। यस सर। अब आपको प्रेजेंटेशन की फाइल अपलोड करनी है साथ में। सर कब करनी है ये? कल मैंने लिंक डाल दिया है, परसों तक, बुधवार तक आप लोग कर लें।
यस सर, यस सर, जो हमने टॉपिक आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे टॉपिक अभी आपने दोबारा डालना है तो टॉपिक आपका थोड़ा टाइमलाइन चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये फाइनल होगा। या पीडीएफ अपलोड करना है तो वो तो एक एमबी में मुश्किल ही आ पाएगा, आ जाएगा, वन एमबी बहुत होती है, दो ही तीन स्लाइड तो करनी है। यस सर, सर यस सर, हो जाएगा, कोई वेलकम स्लाइड और थैंक यू वाली स्लाइड वो सब नहीं करनी है। यस सर, खाली आपको तो प्रेजेंटेशन का कंटेंट करना है। हम लोग जो जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मेरी टाइटल स्लाइड है और थैंक्स वाली है, वो आपको नहीं करनी है, आपका तो कंटेंट देखा जाना है। वो पीडीएफ कंप्रेस कर दीजिए ऑनलाइन। यस सर, हो जाएगा सर। सर सबमिट कब तक करनी है? हैं? सबमिट कब तक करनी है? वेंसडे तक। ओके सर, थैंक यू। वेडनेसडे तक आप करेंगे तभी मैं थर्सडे से वाइवा स्टार्ट कर पाऊंगा उस बैच का। एक मिनट फिर से बोलो, शाश्वत क्या बोले असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड होगा कि प्रेजेंटेशन के ऊपर बेस्ड होगा? असाइनमेंट से वाइवा का कोई मतलब नहीं है, असाइनमेंट तो अभी जवाई नहीं करा रहा है, इसलिए कोई कंफ्यूजन ना हो। असाइनमेंट अभी आपसे कोई जवाई नहीं करा रहा है, वाइवा खत्म हो जाए, जब वाइवा सब लोग प्रेजेंटेशन अपलोड कर देंगे, वाइवा शुरू हो जाएगा, तब असाइनमेंट कराएंगे। तो सर असाइनमेंट के टॉपिक्स भी अलग होंगे जो हम लोग के इस टॉपिक से है, सब कुछ। असाइनमेंट तो मैंने दिया था, टॉपिक कहाँ से आ गया? असाइनमेंट तो हमने दिया है। असाइनमेंट तो दे देते हैं सर भाई, असाइनमेंट के 10 क्वेश्चन दिए थे सर ने पहले। हाँ बस वही 10 क्वेश्चन के उत्तर आपको अपने तरीके से जैसे भी आप यही फॉर्मेट यही रहेंगे, पीडीएफ या वर्ड फाइल, वहां पे कोई पीपीटी होगी नहीं, या जेपीजी फोटो खींच लीजिएगा या पीडीएफ या वर्ड, वहां पे ये तीन फॉर्मेट हो जाएंगे, पीपीटी हो नहीं सकती असाइनमेंट में। सर वाइवा जो प्रेजेंटेशन टॉपिक से रिलेटेड होगा ना सर? हाँ वाइवा प्रेजेंटेशन पे ही होगा। यस सर, पर ये ना सोचिएगा कि प्रेजेंटेशन में जो शब्द नहीं है वो नहीं पूछ सकते हैं। हाँ आई विल स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ द प्रेजेंटेशन। यस सर, यस सर, यस सर। लेकिन मालूम पड़ा अगर आपने डार्क फ्रिंज नहीं लिखा है तो आप ये कहें साहब आपने डार्क फ्रिंज पूछ दिया, अगर इंटरफेरेंस है तो ब्राइट और डार्क दोनों फ्रिंजेस पूछी जा सकती है। यस सर, यस सर, यस सर। बस उसका जो क्वेश्चन होगा वो स्टार्ट इंटरफेरेंस से ही होगा, उसके बाद जो आप जवाब देते हैं उसी के हिसाब से वाइवा होता है। आप लोग दे चुके हैं वाइवा, वाइवा का नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन व्हाट यू हैव आंसर्ड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। तो ये क्लियर हो गया, अब हम आज के क्लास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे शुरू करें। यस सर, सर। यस सर, यस सर। आप लोग अपने अपने माइक्स बंद कर लें और कोई भी हाँ, मेरी वॉइस आ रही? यस सर, क्लियर है, क्लियर है। यस सर, नहीं नहीं है। एक ये अपने मोबाइल फोन से आप लोग हाथ हटा लीजिए। टाइम से नहीं आते अभी तक।
हाँ, तो लाइट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो पहला टॉपिक था हमारे सिलेबस का, आज हम लोग उस पे बात करेंगे। तो जैसा आपको पता है लाइट का डुअल नेचर होता है, कहीं पे वेव नेचर होता है, कहीं पार्टिकल नेचर होता है। विनीत वर्मा आप अपना मोबाइल से हाथ हटा दीजिए, स्क्रीन पे आप क्यों कर रहे हैं। तो कहीं पे वेव नेचर होता है, कहीं पे पार्टिकल नेचर होता है। डिस्टिंग्विश करने के लिए जैसा हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ चुके हैं, तो हमने ये देखा कि एक दो लाइट आती है वेव और दो स्लिट से पास होती है तो दो वेव फ्रंट पे डिवाइड होती है और यही वेव जब इंटरफेयर करती है तो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस। तो अगर हम वेव नेचर की बजाय पार्टिकल नेचर लेते और दो फोटॉन्स, अगर एक लाइट फोटॉन की वेव आ रही है और दो फोटॉन्स यहां से निकल रहे हैं तो वो पार्टिकल पैटर्न में हमको खाली ब्राइट स्पॉट मिलता, कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता। तो इंटरफेरेंस फेनोमेना कैन ओनली बी एक्सप्लेन बाय वेव थ्योरी ऑफ लाइट। नहीं तो काम नहीं बनेगा। अब आया, अब नहीं आया। फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। नो सर, सेकंड स्लाइड नहीं है। यस सर, फर्स्ट स्लाइड है जिसपे आपकी फोटो लगी है। नहीं बेटा, स्लाइड शो के बिना वीडियोस नहीं दिखेंगे। अब सेकंड स्लाइड नहीं आई? नहीं, नो सर, नो सर। फ्लिप स्क्रीन तो ही है, हमें केवल आपका फोटो दिख रहा है। बॉटम में जो स्लाइड शो का ऑप्शन होता है वहां से सक्रिय आ जाएगा। आ गया, आ गया, आ गया, हो गया। थर्ड पेज आया सर, आ गया सर, थर्ड वाला। अब डबल स्लॉट थर्ड पेज आया है। थर्ड, अब थर्ड स्लाइड वाला है। ऐसा करते हैं, फिर हम आपको समझा देते हैं और वीडियो हम बाद में अपलोड कर देंगे, ठीक है? बिल्कुल नहीं। ओके सर। क्या बिल्कुल नहीं? तो सर वेव में बारे में आप पढ़ चुके हैं कि वेव में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं और मिनिमम एम्पलीट्यूड के पॉइंट को ट्रफ कहते हैं, और वेवलेंथ आइदर दोनों क्रेस्ट के बीच की दूरी या दोनों ट्रफ्स के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये अब ये एक वीडियो था जो आपको दिखेगा जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। ये वेव के पार्टिकल्स हैं। अब अगर लाल पार्टिकल को देखें तो देखिए ये यहां से ट्रेवल करता हुआ दिखेगा, एक ट्रेवलिंग वेव के फॉर्म में। हाइजेंस साहब ने ये कहा कि कोई भी वेव फ्रंट अगर किसी भी मीडियम पे इंसिडेंट होता है तो मीडियम का हर पॉइंट एक सेकेंडरी वेव एमिट करता है, यानी मीडियम का हर पॉइंट एक्ट्स एज अ सोर्स फॉर सेकेंडरी डिस्टरबेंस, जिसको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो
तो यहाँ पे मीडियम में देखिए कई पॉइंट्स थे तो कई वेव्स वेवलेट्स एमिट हुई, यहाँ पॉइंट कम है तो उन्हीं के करेस्पॉन्डिंग कम वेवलेट्स एमिट हुई, यहाँ और कम दो ही पॉइंट है तो दो ही वेवलेट्स एमिट हुई, यहाँ एक है तो एक वेवलेट है। तो इससे मतलब नहीं है कि कितनी वेवलेट्स यहाँ इंसिडेंट हुई थी, ये जो एमिटेड वेवलेट्स हैं उनकी संख्या निर्भर करती है कि उस ऑब्जेक्ट में कितने पॉइंट्स हैं या कितने पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो 19th सेंचुरी तक कोई क्लियर कट कॉन्सेप्ट नहीं था कि लाइट का नेचर कैसा है। हाँ वेव है ये पता था, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ अ वेव और उसकी एग्जैक्टनेस के बारे में कोई पूरी जानकारी नहीं थी। तो एक फिजिसिस्ट हुए जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, इन्होंने लाइट को एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया और ये कहा कि लाइट प्रोपेगेट्स एज टू वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी लाइट में दो तरीके के वेरिएशंस होते हैं या ऑसिलेशंस ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफर होते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन होता है एक मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अब ये वीडियो है प्रोपेगेट कैसे करती है, इलेक्ट्रिक अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एक्स है, इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है वाई डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक जेड डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक का अपनी एक वेव होगी इलेक्ट्रिक अपनी एक वेव होगी और ये दोनों वेव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होगी। तो आप ये देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन तो एक्स है लेकिन वाई जेड जो प्लेन है उसमें न्यूमरस ओरिएंटेशंस पॉसिबल, और जैसे ये प्रोपेगेट करेगी वो ओरिएंटेशंस विल कंबाइन, तो रिजल्टेंट पाथ जो होगा यहां पे दिखाने की वीडियो, इट विल रिजल्ट इन अ फॉर्मेशन ऑफ अ स्पाइरल, जैसे स्प्रिंग होती है जब दोनों आगे बढ़ेंगे तो वो स्पाइरल के फॉर्म में वेव आगे बढ़ेगी। तो हर्ट साहब ने इसी वेव नेचर को एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया और लॉन्ग वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उन्होंने उनकी एग्जिस्टेंस को डेमोंस्ट्रेट किया। तो मैक्सवेल साहब की थ्योरी और हर्ट साहब के एक्सपेरिमेंट से ये हम लोग लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के बारे में पूरा जान पाए। लेकिन इससे पहले कुछ फिजिशियंस थे जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, कूलॉम थे जिन्होंने चार्जेस के बारे में और चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्सेस को एक्सप्लेन किया, पॉइजन जिन्होंने पॉइजन इक्वेशन दी, लैपलास गॉस जिन्होंने गॉस लॉ दिया, इन लोगों ने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की फाउंडेशन रखी जिसको मैक्सवेल साहब ने पूरे मुकम्मल तौर पे आप एक कंसाइज करके लाइट के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फॉर्मुलेट की। अब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो साथ में इसका मतलब कि लाइट के संदर्भ में देखें तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में भी कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो ओरस्टेड साहब ने ये नोटिस किया 1820 में कि इलेक्ट्रिक करंट्स मैग्नेटिक फोर्सेस को प्रोड्यूस करती हैं और इसका फॉर्मुलेशन एम्पियर साहब ने एम्पियर लॉ के रूप में दिया। 1831 में माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट दिया कि जिसमें कि अगर एक मैग्नेट मूव कर रहा है तो
तो इट विल इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट, ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यस सर। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से मिला के मैक्सवेल साहब ने मैक्सवेल इक्वेशंस दी, क्योंकि फैराडे साहब ने ये कहा था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्पेस और टाइम में ट्रांसमिट होती हैं, स्पेस में ट्रांसमिट होती हैं विद टाइम, और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को दूर तक ले जाती। अब अगर हम इसको समझने के लिए देखें कि एक टेम्परेचर है धरती की सतह पे, टेम्परेचर को हमको एक्सप्लेन करना है, तो सतह पे हर जगह टेम्परेचर बराबर तो नहीं होगा, कहीं कम होगा कहीं ज्यादा होगा, लेकिन वो वेरिएशन कोई एक पैटर्न को फॉलो करेगा, एकदम से कम नहीं हो जाएगा एकदम से ज्यादा नहीं हो जाएगा। हम जैसे लखनऊ से दिल्ली जाते हैं, दिल्ली में ठंडक ज्यादा है तो क्या एकदम से टेम्परेचर गिर जाता है? ग्रेजुअली जाते जाते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, वो ग्रेजुअल होता है। तो ये टेम्परेचर का भी एक्सप्लेन करने के लिए हमको स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर्स चाहिए, हर ना इस हर प्लेस पे एक पर्टिकुलर नंबर से हम उस टेम्परेचर को डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक स्पेशियल कोऑर्डिनेट यानी स्पेस के कोऑर्डिनेट का फंक्शन होगा। लखनऊ पे इतना टेम्परेचर है, कानपुर में इतना टेम्परेचर है, दिल्ली में इतना टेम्परेचर है, तो वो एक पैटर्न फॉलो करेगा, और ये जो पैटर्न है ये टाइम के साथ भी अलग हो सकता है। ये नहीं कि अगर अभी दिल्ली ज्यादा ठंडा है तो हर समय ज्यादा ठंडा ही रहेगा, कभी वो लखनऊ से ज्यादा गर्म भी हो सकता है, तो ये टाइम पे भी डिपेंड करेगा। एट अ इंस्टेंट ऑफ टाइम it will follow one pattern, at another instance of time pattern बदल सकता। तो ये जो pattern है ये space और time दोनों coordinates का function। लेकिन हमको एक particular instant पे किसी भी जगह का temperature define करना है तो खाली हमको टेम्परेचर बताना है। हम कभी भी ये नहीं बताते हैं कि टेम्परेचर किस दिशा में बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स वेक्टर क्वांटिटीज हैं, जिनको तो चूंकि मूवमेंट है तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सवेल साहब ने एक मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन दिया कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे वेरी करती हैं आपस में, और उनको हम कैसे नोन, अगर वेलोसिटी हमको पता है तो वेलोसिटी से सोर्स करंट जनरेट होगी जे, और जे से कैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जनरेट, ई निकाल सकते हैं, और वही पता है तो उससे बी निकाल सकते हैं मैग्नेटिक, क्योंकि फैराडे साहब ने कहा था पहले कि इलेक्ट्रिक करंट्स जो होती भाई, इलेक्ट्रिक करंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स और इलेक्ट्रिक करंट्स आर सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, तो रिलेशन तो उन्होंने पहले दे दिया था। मैक्सवेल साहब ने इसी रिलेशन को फॉर्मुलेट किया एक यूनिफाइड थ्योरी देंगे। तो मैक्सवेल साहब ने ये चार इक्वेशंस का सेट डिवाइस किया। पहली जो इक्वेशन है वो गॉस लॉ है, सेकेंड इक्वेशन है वो कहती है डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, थर्ड इक्वेशन है फैराडेज लॉ, और फोर्थ इक्वेशन है एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। तो ये जो चारों मिलके इक्वेशंस हैं, ये पूरा वेव का नेचर
एक्सप्लेन करती हैं और वेव का नेचर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। पहली इक्वेशन है जो कि गॉस लॉ है, वो कहती है डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन जीरो। अगर उसको दूसरे टर्म्स में देखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, गॉस लॉ आपने इसी टर्म, गॉस लॉ पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर, ये इंटीग्रल फॉर्म है। यस सर, यस सर, यस सर। तो गॉस लॉ जब पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये गॉस लॉ ये कहता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो ये चार्ज से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो एक्सप्लेन करता है। दूसरा है गॉस लॉ, दूसरी इक्वेशन है, वो कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक सतह से आएगी, एक एंड से आएगी और दूसरे से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स विल लीव द सरफेस। मीन सर मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, अभी आप उतना ना जाओ बेटा बीएससी में, वो मैग्नेटिक मोनोपोल्स और डाइपोल्स अभी आपके कोर्स में नहीं, इसलिए वो शब्द ना यूज करें। पता है अच्छी बात है, लेकिन मोनोमैग्नेटिक पोल्स आपके कोर्स में नहीं है, अभी आपने पढ़ा नहीं होगा, कहीं ऐसे ही आपने पढ़ लिया होगा, तो इसलिए मैं वो शब्द यूज नहीं कर रहा हूँ। मैं वही शब्द यूज कर रहा हूँ जो आपको मतलब सब बच्चों को समझ में। यस सर, ग्रिफिथ्स की बुक में पढ़ लिया था सर। हाँ तो ग्रिफिथ्स अभी आपको नहीं पढ़नी है भाई, ग्रिफिथ्स आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे या और आगे पढ़ेंगे, ग्रिफिथ्स अभी कहाँ पहुंच गया। ओके सर, तो ये हो गया मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन जो कि ये कहती है कि नेट ओवरऑल मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो होता है, only the magnetic lines of flows travel across the medium. Third equation आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि changing magnetic field will induce an electromagnetic force in the loop of a wire, और हमारे जितना भी जनरेटर्स होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे डिवाइस होते हैं। और चौथी है मैक्सवेल्स फोर्स इक्वेशन जो कि एम्पियर लॉ है, जो कि कहती है कि करंट कैरिंग वायर इंड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द पाथ सराउंडिंग द वायर। तो हाउ द करंट मैनिफेस्ट अ मैग्नेटिक फील्ड, कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ओरिएंटेशन समझाती। तो ये जो चारों इक्वेशंस हैं यही बताती हैं कि अगर इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस के फॉर्म में ट्रेवल करेंगी तो आपस में कैसे वेरिएशन उनका गवर्न होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है आप लोगों को पता है कि वेवलेंथ कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी। यस सर, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ये देखिए वेवलेंथ सबसे ज्यादा इधर कम होते होते गामा तक पहुंच रही है। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है 1000 मीटर्स के ऑर्डर की होती है, 10^3 के ऑर्डर की होती है, फिर ये माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा। तो इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। इसको आप एप्लीकेशन स्केल पे देखें, रेडियो वेव्स का वेवलेंथ का डायमेंशन होता है हमारे बिल्डिंग के डायमेंशन की होती है और ये डायमेंशन धीरे धीरे कम हो जाते हैं और गामा रेज out of the dimension of atomic distances. लेकिन एनर्जी सबसे ज्यादा गामा रे की होती।
अब इनकी यूजेस, रेडियो वेव्स, रेडियो ब्रॉडकास्ट में यूज होती हैं, अब सबसे कम एनर्जी होती है, तो क्या रीजन है? सबसे कम एनर्जी होने के बावजूद हम उसको रेडियो और टेलीविजन ब्रॉडकास्ट में यूज करते हैं। तर मॉड्यूलेशन का यूज करके कर सकते हैं, मॉड्यूलेशन से नहीं, वो अलग है। मॉड्यूलेशन इन वेव्स का मॉड्यूलेशन नहीं होता सर, दो डिस्टेंस मॉड्यूलेशन उनका होता है जो कि तार के अंदर से जाती है, सिग्नल जाते हैं सर। हाँ। दूर डिस्टेंसेस तक जल्दी भटकेगी नहीं या मतलब इधर उधर शेक वगैरह नहीं करेगी, वैसा कुछ लंबे डिस्टेंस तक आराम से जा पाएगा, स्कैटर वगैरह नहीं होगा जल्दी। देखिए अगर इनका वेवलेंथ हम कम कर देंगे, रेडियो वेव्स को हम मतलब जो रेडियो ट्रांसमिशन वेव्स है उनकी वेवलेंथ हम कम कर देंगे तो, और वो डायमेंशंस आ जाएंगी फिर ह्यूमन बीइंग के डायमेंशंस। आप ये देखिए सबसे पहले वाला देखा था ना, फिर वो इस डायमेंशन में अगर हम ले गए ट्रांसमिशन को तो वो इन सब चीज से इंटरेक्ट करेंगे, इनसे रेजोनेंसेस होंगी तो बड़े डिस्टर्बेंस ज्यादा कॉज होंगे। भाई वेवलेंथ सिमिलर होगी तब रेजोनेंस होगा ना सेम वेवलेंथ पे, तो वो वेवलेंथ ऐसी रखी जाती है कि वेवलेंथ रेजोनेंस अवॉइड करने के लिए। देखिए जितनी भी ज्यादा एनर्जी की यानी जितनी भी कम वेवलेंथ आप करते जाएंगे उतना आइसोलेटेड सिस्टम रखेंगे आप ताकि इंटरेक्शन ना हो, और जब एयर में ट्रांसमिट करना है तो इंटरेक्शन तो होगा, इंटरेक्शन आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो ऐसी वेवलेंथ चुननी है जो कि इंटरेक्ट ना करे। तो इस तरीके से हम इन फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, कौन कौन से, डिफ्रेक्शन, रिफ्रेक्शन, इंटरफेरेंस, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। तो ये फेनोमेना हमने वेव नेचर ऑफ लाइट से एक्सप्लेन कर, आप लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग करें तो पढ़ चुके हैं ना सारे फिनोमिना हम लोग, ये सारे फिनोमिना वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। लेकिन इनके अलावा जो फिनोमिना होते हैं जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, वो वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कहता है कि जब हाँ जब रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे पड़ेगा तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, तो वो चीज हम इस वेव नेचर